झारखंड समाचार। झारखंड कैबिनेट ने 29 एजेंटों पर लगाई मुहर, पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 29 मामलों की स्वीकृति मिली है। इसमें झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड संशोधन विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई है। झारखंड मिनरल वीरिंग लैंड कोविड 19 पेंडेमिक शेष बिल 2020 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन को स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न देने को भी मंजूरी मिल गई है। 15 लाख लोगों को इसको फायदा मिलेगा। झारखंड विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने घटनोत्तर मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना को घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख गरीब परिवार को हर महीने 5 रुपया में मिलेगा 5 किलो अनाज। कोरोना महामारी के चलते झारखंड के कई गरीब परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने हर महीने 5 रुपये में 5 किलो अनाज देने का फैसला किया है। इस योजना से 15 लाख परिवारों को फायदा होगा। झारखंड में नहीं थम रही है महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। एक तरफ झारखंड में आधी आबादी को हक दिलाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई जिलों में इनकी इज्जत तार तार करने की घटनाएं मन को झकझोर रही है। गढ़वा और बोकारो में जहां एक युवती दूसरी नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना घटी है, तो वहीं रामगढ़ जिले में रामपुर गाँव में से मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल मध्यमा मदरसा और अन्य परीक्षाएं अक्टूबर में। झारखंड में मध्यमा मदरसा सहित अन्य परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में मदरसा और मध्यमा के साथ साथ जैक बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा, झारखंड बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा, इंटर वोकेशनल मॉडल स्कूल इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर अन्य स्कूलों की प्रवेश परीक्षा शामिल है। इन परीक्षाओं को आयोजित करने की तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू कर दी है। खबर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में हुआ करोड़ों का घोटाला, गैर किसानों ने भी लिया फायदा, 16 हुए गिरफ्तार। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। किसानों को हर साल 6,000 रुपए की गारंटी देने वाली स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। तमिलनाडु में करोड़ों रुपए के फ्रॉड में केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अब तक सीबीआई ने कल्लाकुरिची जिले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि लगभग 40,000 अपात्र लोग गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वार्षिक 6,000 रुपए का लाभ उठा रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों में किसानों को सालाना यह मदद दी जाती है। पीएम फसल बीमा योजना, 20 लाख किसानों के खाते में आएंगे 4,688 करोड़। आप भी कर सकेंगे आवेदन। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेमौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सहायता करती है। मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4,688 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना दे रही है युवाओं के सपनों को उड़ान। मनोज जडेरा पंचायत के टिकरू गांव में फिट इंडिया अभियान के तहत मंगलवार को लोगों को जागरूक किया गया। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वावलंबी तथा शान ए चंबा युवा मंडल के अध्यक्ष मनोज नैयर ने लोगों को अभियान की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में भी बताया गया। नैयर ने बताया कि इस योजना में ई रिक्शा, थ्री व्हीलर जैसे स्वावलंबन रोजगार के व्यवसाय भी जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए की कीमत तक के छोटे कमर्शियल वाहन जैसे पिकअप आदि के अलावा मोबाइल फूड वैन भी शामिल की गई है। अब पोस्ट ऑफिस में भी बनेंगे ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आपको अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप इन सबों के लिए पोस्ट ऑफिस में भी आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की है। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग अपने DL, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने जैसे काम आसानी से कर पाएंगे। इतना ही नहीं, CSC पर आपको केंद्र और राज्य सरकार की आम जनों से जुड़े कुल 73 सेवाओं का लाभ मिल सकेंगे। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8,00,000 मानव दिचस श्रम अवसरों का सृजन किया। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत बिहार और राजस्थान सहित 6 राज्यों में 8,00,000 मानव दिवस श्रम के अवसरों का सृजन किया। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह योजना इस साल जून में COVID-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए शुरू की गई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 50,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ शुरू किया गया था। खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार ने रविवार को लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है और कहा है कि रविवार को बाजारों की साप्ताहिक बंदी की जगह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप बाजारों की साप्ताहिक बंदी रहेगी। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में आगे कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर होटल व रेस्टोरेंटों को संचालन कराया जाएगा। पबजी खेलने वालों के लिए खुशखबरी, चीन से कंपनी ने ऐसे तोड़ा नाता, हो सकता है वापसी। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी को बनाने वाली कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में बैन होने के बाद बड़ा कदम उठाया है। पबजी कॉरपोरेशन ने चीन स्थित टेंशन गेम से भारत के लिए नाता तोड़ने का ऐलान किया है। अब पबजी कॉरपोरेशन कंपनी ही भारत में पबजी गेम की जिम्मेदारी संभालेगी। पबजी कॉरपोरेशन ने यह कदम भारत सरकार ने उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी लाइट समेत 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने इन ऐप को देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक माना था। सरकार इससे पहले 2 बार और टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर चुकी है। देश में पबजी पर बैन के फैसले प्रतिक्रिया देने के लिए पबजी कॉरपोरेशन ने बयान जारी किया। तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का 74 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ निधन। खलनायक और हास्य भूमिकाओं के लिए मशहूर 74 वर्ष तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी कार्डियक अरेस्ट के बाद मंगलवार को गुंटूर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। रेड्डी अपने वॉशरूम में गिरे पड़े थे जिसके बाद अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। उनके निधन पर अभिनेता सुधीर बाबू सहित अन्य कलाकारों ने शोक जताया है। भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत की आवाज़ ग्लोबल हो रही है, ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जब हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, हमारा मीडिया इसे एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। LIC से संबंधित खबर पर राहुल गांधी, सरकार की LIC में 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना की खबर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। LIC को बेचने मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। ताजमहल और आगरा फोर्ट 21 सितंबर को पर्यटकों के लिए खुलेंगे, ऑनलाइन बुक होगी टिकटें। COVID-19 महामारी के चलते 17 मार्च से बंद उत्तर प्रदेश स्थित ताजमहल और आगरा फोर्ट 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार ने बताया कि एक दिन में ताजमहल में 5,000 जबकि आगरा फोर्ट में 2,500 पर्यटक ही प्रवेश कर सकेंगे और उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक कराना होगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में आज लगातार तीसरे दिन लंबी पूछताछ के बाद NCB ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। इसके बाद रिया को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, जहां NCB उनके रिमांड की मांग करेगी। NCB ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी।
झारखंड डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड डीजीपी राम विष्णु वर्धन राव के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन नोटिस पर रोक लगा दी है। ये नोटिस लोकसभा सचिवालय ने झारखंड डीजीपी एम विष्णु वर्धन राव के खिलाफ झारखंड के कोटा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि डीजीपी राज्य की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ कर रहे हैं और उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। झारखंड के चावल का स्वाद चखेंगे बांग्लादेशी किसानों को चेहरे पर आई खुशी। झारखंड की मुख्य खेती चावल है। यहाँ बहुतायत मात्रा में चावल की खेती होती है। झारखंड के चावल को बांग्लादेश तक पहुँचाने का जिम्मा रेलवे ने उठाया है। यानी अब झारखंड के चावल और अन्य खाद्य पदार्थ का स्वाद जल्द ही बांग्लादेश के लोग आप ले सकेंगे। दरिंदों ने साधी हुई का किया गैंगरेप। बीजेपी बोली हेमंत सरकार ने आंख मूंद रखी है। झारखंड के गोटे जिले के एक आश्रम की साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। हर शख्स मानो यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी दरिंदगी आई कहां से। ये अज्ञात सिर फिरों ने अपनी हवस बुझाने के लिए एक ऐसी महिला को निशाना बनाया जो इस दुनिया की मोह माया से दूर महर्षि आश्रम में रहती है। दरअसल गोड्डा जिला के मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर जीवन दर्शन सिखाने वाले महर्षि में ही दास आश्रम में मानवता तार तार हो गई जब हवस के पुजारियों ने साध्वी को ही निशाना बना लिया। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के रानीडी पंचायत के टाडावार गांव की है। सितंबर के बदले अब दिसंबर में होगा झारखंड चैम्बर का चुनाव। कोरोना के कारण इस बार झारखंड चैम्बर का चुनाव सितंबर की जगह दिसंबर में होगा। चैम्बर के पदाधिकारियों की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा अगले 2 से 3 दिनों में कर दी जाएगी। चैम्बर के नियमों के मुताबिक हर हाल में 30 सितंबर तक नई कार्यकारिणी का गठन कर लेना है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसमें बदलाव किया गया है। पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य भी चैम्बर के पदाधिकारियों की फैसले पर सहमत है। झारखंड चैम्बर में लगभग 4000 सदस्य हैं जो हर साल के लिए चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करते हैं। पिछली बार 15 सितंबर को झारखंड चैम्बर का चुनाव हुआ था। माउंट आबू व भागीरथ के तर्ज पर विकसित होंगे झारखंड के वन्य अभयारण्य। झारखंड के वन्य प्राणी आश्रयणी इन सेंसिटिव जोन को कारगर बनाने व जंगली जानवरों को संज्ञानों से टकराव रोकने के लिए अब राजस्थान के माउंट आबू और भागीरथ की तट पर जंगल क्षेत्र में विकास होगा। इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के DFO डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि दलमा अभ्यारण्य के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से लगभग 1 करोड़ रुपए की मांग की है। नई शिक्षा नीति पर बहस जारी। शिक्षाविद छात्रों ने कहा कुछ ऐसा। देश की नई शिक्षा नीति पर चर्चा जारी है। देश के PM से लेकर राष्ट्रपति तक विशेषज्ञ की राय ले रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को देश का शिक्षा नीति बताया है तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति की खामियां को सामने रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर शिक्षाविद के साथ छात्रों की भी राय जानने की सलाह दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।